नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के बारे में। सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल करने की घोषणा पर प्रदेश सचिव ने जारी किया सर्कुलर। दोस्तों इन सर्व कर्मचारी संघ ने 26 नवम्बर को हड़ताल की घोषणा की है और इसमें इन्होंने अपनी कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं, जिसमें जैसे कि नियमितीकरण की नीति बनाई जाए, नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को बहाल किया जाए, पहले से नौकरी से लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और दोस्तों टीसी रेट व अनुबंध पर लगे पार्ट टाइम आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों आगे इसमें अन्य मांगों पर भी चर्चा करने वाले, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएँ, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल करने की घोषणा पर प्रदेश सचिव ने किया सर्कुलर जारी, जाने क्या कहा। न्यूज है चंडीगढ़ के, हरियाणा से निकल कर आ रही है। हरियाणा के सर्व कर्मचारी संघ ने 26 नवंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। इस पर प्रदेश सरकार ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। प्रदेश सचिव ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि सभी विभाग 26 नवंबर को कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करेंगे। विभाग अध्यक्षों को 12 बजे और 4 बजे दो बार हाजिरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित ना हो इसकी व्यवस्था भी करने को कहा गया है। बता दें कि हड़ताल के लिए संघ के सदस्यों ने कमर कस लिए। केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व में गठित 7 टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। ये टीमें कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल करने होने के लिए प्रेरित करेंगी। यह जानकारी सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लामा ने दी। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की मांगें काफ़ी समय से लंबित हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए कर्मचारियों में रोष है। यह है कि उन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें, नंबर एक जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस ली जाए, नियमितीकरण की नीति बनाई जाए, डीए और एलटीसी पर लगी रोक हटाई जाए, जनतांत्रिक अधिकारों को बहाल किया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, बैकलॉग को विशेष भर्ती करके पूरा किया जाए, पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन दी जाए, प्री मेच्योर रिटायरमेंट आदेश वापस लिया जाए, श्रम कानूनों के लिए किए गए बदलाव पर रोक लगाई जाए, सरकारी विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, एक्सक्रेसिया रोजगार नीति में लगाई गई शर्तों को हटाया जाए, नई भर्तियों में 5 अंक की कटौती का आदेश वापस लिया जाए, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को सेवा बहाल की जाए, पहले से नौकरी में लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, नियमित होने तक समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाए। अगला जो है वर्कलोड व जनसंख्या के आधार पर नए पद सृजित कर नियमित भर्ती की जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में आवश्यकता एवं सुझावों के मुताबिक संशोधन किया जाए, डीसी रेट व अनुबंध पर लगे पार्ट टाइम आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, एसीपी प्रमोशन इंक्रीमेंट को कुशलता के आधार पर तय करने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। दोस्तों ये थे इनकी प्रमुख मांगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।